घर की सफाई करना आसान नहीं है। डिंग डिंग। सुनो बच्चों, जरा जल्दी जल्दी लाओ। ये बहुत भारी है, लेकिन हम इसको उठाकर बाहर क्यों ले जा रहे हैं हथौड़ी? इससे साल में एक बार घर की अच्छी तरह सफाई होती है। पर घर की सफाई करने की जरूरत क्या है? सफाई से घर की सारी गंदगी और बदबू बाहर निकल जाती है और हमें बिल्कुल फ्रेश महसूस होता है। मैं कुछ मदद करूं? शशि मानो, तुम जाकर खिड़की साफ कर दो, ठीक है? ठीक है मम्मी। लो 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 लो। अरे वाह शशि मानो, तुम तो बहुत अच्छी तरह सफाई कर रहे हो। अभी और चमकाना बाकी है। अरे शशि मानो, ये खेलते हुए सफाई करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी मदद करूँगा। नहीं शुक्रिया, मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ। मम्मी को पूछता हूँ। मम्मी, मैं आपकी मदद करूँ क्या? ठीक है प्यारे शिंजो, मैं खेलते हुए सारे काम कर सकता हूँ। मम्मी, मैं जानती हूँ तुम खेलने में बहुत होशियार हो। हम लोगों को यही लगता है कि मैं सिर्फ खेलने में होशियार हूँ, कोई मुझे काम में मदद करने दे ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? वो गुजिया गंदी हो गई, मैं अभी उसे साफ कर देता हूँ। आजा गुजिया। गई गुड़िया पानी में। चाली। शिंजो, अब बहुत हो गई मदद, जाओ जाकर बाहर खेलो, जाओ। अच्छा ठीक है। अरे वाह, लगता है काम करने में बहुत मजा आता होगा। आप लोग क्या काम कर रहे हो? हम गद्दे को पीट पीट कर इसमें से धूल निकाल रहे हैं। मैं भी निकालू धूल प्लीज। हमें डिस्टर्ब मत करो शिंजो। तुम अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। जाओ बाहर जाकर खेलो। आप सब लोग सफाई सफाई खेल रहे हो, मुझे नहीं खेलने दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ। शिंजो। सॉरी, यहाँ जानबूझ के क्या। ना जाने शिंजो को कभी कभी क्या हो जाता है। अब क्या करूँ मैं? अरे वाह कॉमिक बुक्स, चलो इसी को पढ़ के टाइम पास करते हैं। अरे वाह क्या सीट है। हाँ मैंने सफाई कर दी है। शशि मानो, जरा जाकर बाथरूम साफ कर दो। लो 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 लो, क्या ठीक है। अरे ये शिंजो यहाँ क्या कर रहा है? चलो अच्छा ही है, जब तक हमारी सफाई का काम खत्म होगा तब तक ये यहाँ आराम कर लेगा। स्वीट ड्रीम्स। ये क्या, आप फिर पुराने न्यूज़पेपर्स लेकर बैठ गए? हाँ बस थोड़ी देर और। अरे वाह कितनी बढ़िया सफाई कर रहा हूँ मैं। डिंग 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 डिंग। बस हो गया। मुझे लगता है वो 5 रुपए का सिक्का था। ये तो बोतल का ढक्कन है। बाथरूम तो सितारों की तरह चमक रहा है, क्या बात है। बस अब ये कबाड़ बाहर फेंकना बाकी है और फिर सफाई पूरी हो जाएगी। डिंग डिंग। आज बहुत सारा काम किया है, भूख लग रही है, तो चलो फिर आज बाहर ही खाना खाते हैं। गुड आइडिया, शिंजो को बाहर का खाना बहुत पसंद है। लेकिन शिंजो है कहाँ? हाँ हाँ, वो तो काफी देर से दिखाई ही नहीं दिया। ओह नहीं, ओ, सब गड़बड़ हो गई। क्या हो गया मम्मी, घबरा क्यों रही हो? शिंजो तो उस कबाड़ में था जिसे हम कचरा समझ कर अभी अभी बाहर फेंक कर आए हैं। है? कचरे में फेंक दिया? वो यहाँ नहीं है।
हाँ, पर वो कहाँ जा सकता है? शिंजो! 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 कहाँ हो शिंजो? शिंजो! मैंने सारे बॉक्स अच्छी तरह से चेक कर लिए, कहीं नहीं मिला। देखिए ना मम्मी, वो यहाँ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मैं सोच रहा हूँ शिंजो कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गया। हाँ, मैं समझ गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं अभी पता लगाता हूँ। हाँ। देखो यहाँ कोई है। कौन है वहाँ? हाँ, इसे उठा कर देखता हूँ। हाँ? शिंजो मिल गया। ये तो यहाँ गहरी नींद सो रहा है। शुक्र है मिल गया। सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। सब यहाँ क्यों आए हो? मुझे सफाई सफाई तो नहीं खेलने दिया। मुझे साफ सफाई से नफरत है। शुक्र है कि इसे कुछ और नहीं पता। डिंग डिंग। हथौड़ी हो गया चूहों से परेशान। डिंग डिंग। वाह, लगता है तैयार हो गया। खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ? अब किसका फोन आया? हेलो, मैं मित्सुबा रेसिडेंट से बोल रही हूँ। ओह, मिसेस जुबा, बड़े दिनों बाद फोन किया। कैसी हैं आप? खाओ खाओ, क्या कमाल की चीज है। हो जाएगा। खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, मोटे हो जाओ। अरे जल्दी करो, भागो यहाँ से, वरना ये लोग अभी धूप में सुखा देंगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी आ जाओ यहाँ पे। बहुत भारी है। जाओ जाओ फिर। आज खेलने में बड़ा मजा आया ना दोस्तों। अरे वाह, तुम लोग तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैंने आज तुम सबके लिए तुम्हारा फेवरेट चीज केक बनाया है। ये बहुत बुरी बात है, मुझसे बिना पूछे ही तुम लोग सारा केक चट कर गए। क्या कर रहे हो? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। देखो वहाँ चूहे हैं। चूहे? यहाँ तो कोई चूहा नहीं है। तुम लोग खुद को बचाने के लिए मुझे बुद्धू बना रहे हो। कल से मैं तुम्हारे लिए कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी, समझ गए तुम लोग? अब मेरा क्या होगा? लेकिन मैंने अपनी आंखों से वहाँ चूहा देखा था। और उसी चूहे ने मम्मी का बनाया हुआ केक भी खाया होगा। और मम्मी ने हमें गुस्से में डांट दिया। डिंग डिंग, उस चूहे को पकड़े बिना हम खुद को सही साबित कर भी नहीं सकते। क्या हुआ पापा, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? चूहे ने मेरी नाक काट ली। जिंग नहीं, 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 ये तो हद हो गई। अब मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे उस चूहे को पकड़ना ही होगा। डिंग, हाँ, डिंग, हाँ, वो रहे चूहे के पैरों के निशान। मैं नीचे इंतजार करता हूँ हथौड़ी। आजा चूहे, मैं तेरी बॉल बनाकर सिक्सर मारूंगा। डिंग 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 डिंग। मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम उधर से जाकर घेरो, समझ गए? डिंग डिंग। अब संभालो मेरा वार। दूर हट जाओ शिंजो, मैं अटैक करने जा रहा हूँ। डिंग डिंग। लगता है सारे चूहे पकड़ में आ गए। बल्ले भाई, ये तो मैं हूँ, मुझे पकड़ लिया आपने। ये चूहे तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकले। ये क्या है हथौड़ी?
मैंने एक प्लान बनाया है। चूहे होशियार जरूर हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। अब देखते जाओ कि आगे क्या होता है, बस यहाँ चुपचाप खड़े रहो। चॉकलेट रोल। शिशिमानु, उसे मत छूना, उसे मत खाओ शिशिमानु। बढ़िया है, मजा आ गया। ये क्या हो रहा है? अरे अरे, किसी ने जान फेंका मुझ पर। लगता है कोई शिकारी है यहाँ पर। प्लान तो मैंने अच्छा बनाया था, लेकिन शिशिमानु ने उस पर जाल फेर दिया। तुम्हें निंजा सूट का कमाल दिखाता हूँ। हम यहाँ पर हैं। बच गए? बच गए ना पुंगी? डिंग डिंग, मैं तुमसे हार गया। ये तुम्हारी जीत का इनाम है, इसे खा लो और मुझे माफ कर दो। डिंग डिंग, लगता है इन्होंने अपनी हार मान ली। थोड़ी, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये क्या? ये क्या हथौड़ी? तुम इन छोटे छोटे चूहों से हार गए? और नहीं तो क्या, दो छोटे छोटे चूहों से हार गए आप। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। मेरा पेट भर गया। मुझे लगता है मैं जीत गया। अरे इन चूहों को क्या हो गया? इनका पेट तो गुब्बारे की तरह फूल गया है। बड़े भाई, ये आपका प्लान था? अब हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या बात है बड़े भाई, मैं आपसे बात करूंगा। सॉरी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हर काम में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। डिंग डिंग। आधी अधूरी प्रैक्टिस बेकार है। डिंग डिंग। और एक हफ्ते बाद हम स्कीइंग करने जाएंगे। मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। शोर मत करो बच्चों, 4 और 5 जनवरी को हम लोग स्कीइंग करने जाएंगे। जो बच्चे इस ट्रिप में जाना चाहते हैं, वो यहाँ मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा दें। अरे वाह। वाह, क्या बात है हमारा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे पहले मैं स्विट्जरलैंड और कनाडा में भी स्कीइंग कर चुका हूँ। स्विट्जरलैंड और कनाडा में? वाओ, बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, मैं अपने परिवार के साथ हर साल वहाँ जाता हूँ यूमिको। अरे वाह, फिर तो तुम मुझे स्की करना सिखाओगे ना? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अब तो मैं भी जरूर जाऊंगा। मैंने सर के पास अपना नाम तो लिखवा दिया है, लेकिन मुझे स्कीइंग करना नहीं आता है। क्या करूं? आइडिया, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे एक हफ्ते में स्कीइंग करना सिखा दो प्लीज हथौड़ी। लेकिन स्कीइंग कोई निंजा टेक्निक नहीं है, वो तो स्पोर्ट है, उसे सीखना मुश्किल है केनिची। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन प्लीज कुछ भी करके मुझे वो सिखा दो। चलो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी चीज प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। केनिची, उसकी प्रैक्टिस आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस स्कीइंग सीखनी है तो सीखनी है। लेकिन मुश्किलों को देखकर भाग मत जाना, भागते तो कायर लोग हैं। केनिची, क्या तुम्हारे पास स्कीइंग बोर्ड है? अयो! हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम मुझसे प्रैक्टिस करवाओगे या नहीं? अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, अभी इंतजाम करता हूँ। हथौड़ी, ये बताओ आखिर तुम इस पुराने बांस से क्या कर रहे हो? मैं इनसे स्कीज बना रहा हूँ। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। जोर का झटका धीरे से लगा, एक और बार करना पड़ेगा। जोर का झटका जोर से लगा। अब तुम इससे क्या करोगे? डिंग, ये बर्फ पर फिसलने की निंजा टेक्निक है। लेकिन भले भाई, यहाँ तो बर्फ नहीं है, प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? वो तो हम किसी भी मैदान में कर सकते हैं दोस्तों। खुले मैदान में? लेकिन वहाँ बर्फ कहाँ से आएगी हथौड़ी? बर्फ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी का पहाड़ तो है। मिट्टी का पहाड़? दूसरे शब्दों में कहें तो हम सैंड स्कीइंग करेंगे। अयो! ओह, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करें? हम अपनी प्रैक्टिस वहाँ ऊपर से शुरू करेंगे। डिंग, मैं यहीं से फिसलना शुरू कर दूं? अभी नहीं केनिची, हम सबसे ऊपर से शुरू करेंगे। ये कैसी प्रैक्टिस है, ऐसा लग रहा है पैरों में ईंटें बांधकर चढ़ रहा हूँ। डिंग, तुमने कहा था ना मुश्किल देखकर भागोगे नहीं, अब क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूँ।
हम पहुंच गए। कैसा लग रहा है कैनी जी? अब तुम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो। कैनी जी क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था तुम हार नहीं मानोगे। शिंजो कुछ प्रॉमिस तोड़ी भी जाती है। कैनी जी उठो और प्रैक्टिस करो। ठीक है करता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ। मजा आ गया। अगर शिंजो इतनी आसानी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। डिंग केनिची जल्दी उठो और वापस चलो। हमें फिर कोशिश करनी है। अगर हम एक बार ऊपर चढ़ गए तो आसानी से नीचे आ जाएंगे। अरे भाई ऐसे तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरे पास कॉन्फिडेंस बढ़ाने की एक निंजा टेक्निक है। मैं परछाई बनकर अपना कमाल दिखाता हूँ। डिंग 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 डिंग। कहने चाहिए तुम कितनी जल्दी जल्दी ऊपर आ गए। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सीखना ही है। क्या बात है मामा? क्या बात है, लगता है मैं सीख गया हूँ। यूमिको चलो आ जाओ, मैं तुम्हें स्कीइंग करना सिखाता हूँ। ओह तुम कितने अच्छे हो। ओए ये कबाब में हड्डी यहाँ भी टपक पड़ा, जाओ क्यों देखो तो। अभी देखता हूँ बॉस। यूमिको पहले थोड़ा झुक जाओ और फिर खुद को आगे ढकेलो ऐसे। ठीक है। ये मैं चला। आजा आजा आजा। पता नहीं रास्ते में क्या था जिसने मुझे। उसकी छोड़ो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं कभी स्कीइंग कर ही नहीं सकता हूँ। परेशान मत हो, तुमने तो मिट्टी के पहाड़ पर इसे कितनी अच्छी तरह किया था। हिम्मत रखो कैनी जी। मैं हिम्मत खो रहा हूँ अब। हर बार वो लड़खड़ा क्यों रहा है? शायद उसे बर्फ में लड़खड़ाना अच्छा लगता है। तो कैनी जी की चमचागिरी करने ये दोनों भी यहाँ पहुँच गए। कोई मुझे बचाओ प्लीज। अरे भाई वो देखिए। मैं समझ गया, ये उस घनचक्कर अमारा की चाल है। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो यूमिको एक एक पैर आगे बढ़ाओ और मेरे साथ चलो। उसको साथ मुझे लात। मैं उस अमारा को मजा चखा कर रहूँगा। चलो शिंजो। चलो। तुम समझ गई ना यूमिको? हाँ। कदम से कदम मिलाओ। अब पहले देखो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है? हाँ। ये देखो। ये क्या मतलब? हमारा झूठी मूठी डींगे हाँक रहा था। मैं इससे तो अच्छा ही करता हूँ, ये तो सब जानते हैं। गिर गए ना मुँह के बल। प्रैक्टिस अगर सही तरह से नहीं करोगे तो ऐसे ही गिरते पड़ते नजर आओगे। डिंग डिंग।